भाई लोगों, बहुत 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 स्वागत है आपके अपने शो स्टॉप हेयर फॉल सून में। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं कि मिनोक्सिडाइल को कैसे लगाना है जिससे हम लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सके। तो और बालों का कंडीशन इम्प्रूव होती जाए पहले से, तो मेनली मिनोक्सिडाइल को लगाने का जब भी लगाते हैं तो दो ही ऑप्शन अवेलेबल है। एक तो ड्रॉपर के थ्रू, ड्रॉपर पे बहुत ही इजीली मेंशन है 0.5 ml और उसके ऊपर 1 ml। आप लोगों को मैक्स टू मैक्स हम लोगों को 1 ml ही लगाना है। अगर एरिया बड़ा है तो डॉक्टर से डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन के बाद थोड़ा ज़्यादा भी लगा सकते हैं। मेनली 1 ml ही डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं और बोलते भी हैं कि भाई ऐसा लगाना है। तो ये ड्रॉपर का ऑप्शन है। दूसरा, और ये मेनली ड्रॉपर जो है वो जिसके बाल बहुत बड़े हैं तो वैसे ड्रॉप कर सकता है और स्प्रेड आउट कर सकते हैं, पर जिसके बाल जिनके बाल बहुत छोटे हैं या मेरे जैसे हैं वो स्प्रे ऑप्शन ही अपना सकते हैं। तो स्प्रे ऑप्शन मैं यूज़ करता हूँ और स्प्रे ऑप्शन पे 5 to 6 स्प्रे इज इक्वल टू 1 ml, तो मैं यही करता हूँ। एक दिन में एक बार बस काफ़ी है। और ये डाउट आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए कि ऑल्दो डॉक्टर बोलते हैं 2x a day लगाने का, लेकिन मैं एक ही बार लगा रहा हूँ। मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने एक बार लगाने का ही बोला है मुझे, तो मुझे असर कर रहा है ना। तो मैं इसको कैसे लगाता हूँ आपको बता देता हूँ। मेनली जो मेरा अफेक्टेड एरिया है, हेयर लाइन रिसीड हो रही थी, ऐसे पीछे जा रही है, प्लस मिड स्कैल्प एरिया जो है उस पे मैं लगाता हूँ, बिकॉज मिड स्कैल्प एरिया थोड़ा अफेक्टेड है। तो मैं पहले कैसे लगाता हूँ, जो वो टेम्पल एरियाज को क्लियर आउट करता हूँ ऐसा। दोनों टेम्पल एरिया को साफ करता हूँ ऐसे क्लियर, फिर उसके बाद डर्मा रोलर है ये 1 ml का है, मोस्टली डॉक्टर भी 0.5 ml से 1 ml का ही बोलते हैं। मुझे मेरे डॉक्टर ने 1 ml का लेने का बोला था। और इसको करने का है ऐसे, पहले इस डायरेक्शन में, सेकंड इस डायरेक्शन में, और थर्ड स्ट्रेटली, है ना। तो इसको अपन को करना है मिनोक्सिडाइल को अराउंड लगाने के आधा से एक घंटे पहले डर्मा रोल से रोल करना है अफेक्टेड एरियाज में। मेरा आप लोगों को भी मालूम है वो टेम्पल एरियाज में मैं ऐसा ही करता हूँ, प्लस मिड स्कैल्प एरिया भी मेरा अफेक्टेड ही है। तो टेम्पल से एरिया पे ऐसा थोड़ा डर्मा रोलर्स की हेल्प से रोलिंग किया, उसके अराउंड 45 मिनट से 1 hour के बाद, डर्मा रोलर से रोल करने के 45 से 1 minute के बाद आपके मिनोक्सिडाइल को वो एरियाज में स्प्रे कर सकते हैं, है ना। 5 spray इज इक्विवेलेंट टू 1 ml। तो पहला तो पोर्शन डिसाइड कर लो कि किस किस पोर्शन में लगाना है, अफेक्टेड एरिया कौन कौन सा है। मेरा तो यही है, तो मैं ऐसे लगाया, इसको सब जगह फैला दिया ऐसे फैला दिया, थोड़ा सा आगे की दो, एक दो उंगली से ऐसे सब जगह फैलाते रहो और
हल्का हल्का मसाज जैसा लगना चाहिए आपको, वैसा करते जाएं। प्लस दूसरा टेंपल एरिया, ऐसा लगा दिया ये एरिया, इधर भी स्प्रेड आउट किया, थोड़ा फैला अच्छे से, आपकी आगे की दो उंगलियों से इसको अच्छे से मसाज की तरह दे दिया जाए। तीन हो गया था ये चौथा, और ये पांचवा। अब स्प्रेड आउट कर दीजिए, मैक्स टू मैक्स लगे तो आप 6 बार यूज कर सकते हैं। यूज करने के बाद स्प्रेड आउट करें, ऐसा स्प्रेड आउट कर दें। और बाद में आप जैसे कॉम पहले किया था वैसे ही कॉम कर लें। हाँ भाई लो, ये देखिए बालों का झड़ना क्या होता है अराउंड 3 1/2 4 1/2 मंथ के बाद या 4 महीने के बाद, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये होता क्या है। देखिए बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, अब ये किया तो ऐसे लगाने के बाद अपने हाथों को श्योरली एंश्योर करना है कि जाके धोएं पहले। और एक और बात का ध्यान रखना है कि अगर बालों में रूट्स हैं, हेयर रूट्स हैं, तभी मिनोक्सिडाइल काम करेगा। टोटल जो पूरा जिसमें बालों को गिरे हुए 6 7 साल के ऊपर हो जाते हैं, पूरा सपाट दिख रहा है, उनमें मिनोक्सिडाइल काम बहुत काम करता है। द अदर थिंग विच हम लोगों को इंश्योर करना है कि मिनोक्सिडाइल तब तक ही काम करता है जब तक आप मिनोक्सिडाइल लगा रहे हैं। और एक बार का डोज अगर मिस होता है, मींस आज मैंने लगाना बंद किया, तो कोई टेंशन नहीं, नेक्स्ट डे लगाएं। अगर नेक्स्ट डे नहीं लगाएं तो इंश्योर करें नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे इसको लगाएं ही, है ना भाई लोग। आप लोगों को भी रिजल्ट अच्छा मिले, मैं यही कामना करता हूँ, है ना। और आप मेरे ये बिफोर और अभी के पिक्स देखिए, और कमेंट सेक्शन में प्लीज भाई लोग, आप लोगों के पास ऑप्शन है, अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी है तो डायरेक्टली सीधे सीधे गाली देने से बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। डिसलाइक करें वीडियो, आज से मैंने भी इंश्योर करना शुरू कर दिया है कि मैं नहीं बोलूंगा कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें शेयर करें। बिकॉज कुछ लोगों ने मेरे को व्हाट्सअप करके बहुत ही खराब खराब बातें भी बोली हैं। भाई लोग, मैं आप लोगों को कुछ भी चीज करने के लिए फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं जो करता हूँ वही मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ बस। और ना ही मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, ना ही मैंने कोई अच्छी पढ़ाई की है रिलेटेड टू बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट। मैं भी एक पेशेंट हूँ और जो मैं फॉलो कर रहा हूँ मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ बस। मैं इतना ही कर सकता हूँ और मैं आप लोगों के साथ करता हूँ, मगर आप लोग कुछ चीजों को लाइक नहीं कर सकते तो डायरेक्टली डिसलाइक करो,
डायरेक्टली करें, आप लोग के पास ऑप्शन है, कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करें, लेकिन गलत करें, उससे बेहतर है कि ना करें। या व्हाट्सएप तो और भी, जैसे मेरा नंबर है पहले से ही व्हाट्सएप पे भी मैंने मेंशन किया हुआ है यूट्यूब पे, तो कुछ गलत ना लिखें, कुछ सही नहीं कर सकते तो कुछ गलत भी ना लिखें प्लीज भाई लोग। बाय बाय।